कहीं काहे पुकरली हमके देवी, कोनो शीघ्रता नहीं खे देवी। जब शब्द मिल जाए तो हमके फिर से स्मरण करी, हम पुनः अवश्य आई बा। महादेव, का राजकुमारी सती से कुछ भी ना कहल गई माता? एमे उनकर का दोष, हमनी के महादेव के रूप ही ऐसन बा कि जे भी दर्शन पाली उहे रम जाए। सती भी उनकर दर्शन पाके आपन सुधबुद खो बैठल रहली, और जब मन मोहित हो जाला तब ना मन में प्रश्न आवेला और ना ही अधरोपे शब्द। जौने क्षण के हमके इतना प्रतीक्षा रहल, जब उस क्षण हमरे सम्मुख आए तो हमने शब्द रह गई, हमारी प्रयास व्यर्थ चल गई। आपके प्रयास व्यर्थ ना गए पुत्री, माता लक्ष्मी। प्रणाम माता। सौभाग्यवती भवा, उठा पुत्री और हमार बात ध्यान से सुनी। आपके भक्ति सदैव पवित्र रहल, काहे कि ना तो उमे कोनो प्रकार के लोभ रहल और ना ही कोनो प्रकार के अपेक्षा रहल। भक्ति? परंतु हम तो शिव के केवल इहे खातिर पुकार ले रहनी, काहे कि आप चाहत बानी कि शिव आपके पिता से क्षमा मांगे। महादेव शिव शंभु के विषय में आपके जे कुछ भी ज्ञात बा वो पूर्ण रूप से सत्य ना बा। आपके पिता प्रजापति दक्ष महादेव से बैर रखेनी, इहे कारण उनके मन में शिव के प्रति द्वेष बा। परंतु वास्तव में शिव के मन में ना ही कौनो अहंकार बा और ना ही कौनो घृणा। तब माता, वो हमरे पिताश्री के अपमान काहे कहनी? ना, दक्ष सबके सामने उनकर घोर अपमान कैले रहने, फिर भी शिव उनके आपन शत्रु ना मानने। यदि मानती तो अब तक उनकर संहार कर चुकल होती। हे माता, हम असत्य से ग्रसित रहनी, परंतु आप हमके सत्य के दर्शन करवाई, हम आपके ऋणी बानी माता। अब आप समझनी कि महादेव के समक्ष आप कुछ कहे न कह पाएनी, काहे कि हमरे मुँह से केवल असत्य ही निकलत और शिव के सम्मुख केहू असत्य न कह सकेला। तब फिर आप पवित्र मन से पुनः अपन शिव के पुकारी, वो अवश्य आई है। चारण के ध्वनि, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सती, प्रजापति दक्ष के महल में शिव के पूजन, मंगलकारी महादेव के पूजन, अमंगल कैसे भइल माता? ये आपके का हो गइल बा पुत्री? एकाएक शिव के इतना भक्ति? शिव भक्ति तो हमरे भीतर रहल माता, केवल ओकरा से भेंट अभी अभी भइल बा। सती, प्रतीत होखेला आपके केहू भ्रमित कर देले बा। माता, भ्रम में तो हम एकरा से पूर्व रहनी, जागल तो अब बानी और जगावे वाला भी उहे बाड़।
माता, आपके सती अब शिव की भक्ति कैले बिना ना रह सकेली। पुत्री, शिव के सत्य जाने के पश्चात भी तू उनकर आराधना कर रहल बाड़ू। पिताश्री शिव से बैर रखनी, परंतु शिव तो कबो भी पिताश्री के अपन शत्रु मान ले ही ना। अब शिव ही हमार धर्म बानी और उहे हमार सत्य। तो हम भी हमार स्वामी से मिथ्या ना कह सकेनी। आपके माता होखे से पहले हम राजा दक्ष के पत्नी बानी, आज ना तो कल उनका ही सत्य के ज्ञान अवश्य होगी और तब आप परिणाम खाते प्रस्तुत रही। हम प्रस्तुत बानी माता, कहे कि हम शिव से अत्यधिक प्रेम करेनी। और हम भी अपन इष्ट से ही प्रार्थना करब कि आपके ही मोह अस्थाई होखे, कहे कि प्रेम ना माया बा। सोवत जागत, हम केवल शिव के ही कल्पना में खोल रहे ले माता। हर ध्वनि में केवल शिव सुनाई देला, ई प्रेम ना तो और का बा माता। ओम नमः शिवाय। एकरा ही कहल जाला नियति के परिहास। हम समझनी ना माता, जौन महादेव के प्रति दक्षराज के अपार घृणा रहे, उनके ही दिव्य पुत्री के प्रेम होखे के रहे तो उभी किनका से, उनकर महादेव से। महादेव से हम ही जाने खाती उत्सुक बानी माता कि तब का हुई जब दक्षराज की बात पता चल जाई। उहे लीला के आगे बढ़ावे खातिर देवऋषि नारद पहुँचले दक्षराज के यहाँ। नारायण नारायण, स्मरण बाप के भ्राता, जब हमार डमरू बजावे से पुत्री सती अपन मुष्ठी खोलने रहली और उहमे से एगो रुद्राक्ष निकलल रहे, तब आप हमरा पर क्रोधित हो गेल रहनी, चूंकि आपके ही लागल कि हम आपके शत्रु शिव के साथ मिलल बानी। आज अकस्मात उ घटना के चर्चा काहे? काहे कि आज हम प्रमाणित कर देव कि हम वो अघोरी शिव के ना, आपके ही तैसी बानी। नारायण नारायण, किंतु हमके चिंता सता रहल बा। आप ते जानत ही बानी हो मायावी शिव के, ओकर कौनो विश्वास नहीं खे। उ आपके नीचा दिखावे खातिर पुत्री सती के भी भ्रमित कर सकेला, और एकरा पूर्व कुछ ऐसन होखे आप पुत्री सती के स्वयंवर रचवा दी, एक से बढ़ के एक सुकुमार राजकुमार आई हन, और जे भी पुत्री सती के भाई उस स्वेच्छा से ओकरे गले में वरमाला डाल दी हन। नारायण नारायण। परंतु अपना पुत्री के खातिर उचित वर के चयन हम स्वयं काहे न कर सकीले? तो अंतिम निर्णय तो आपके ही होखी। यदि आप ही अवसर पुत्री सती के भी देव तो उनके हृदय में प्रजापति दक्ष खातिर और भी सम्मान बढ़ जाई। ता ठीक बा, समस्त राज्य में तत्काल ही सूचना पहुंचा दा कि प्रजापति दक्ष के पुत्री सती के भव्य स्वयंवर के आयोजन करल जा रहल बा। नारद जी, दक्ष राज के ऐसन सुझाव काहे देलन? का वो सती के प्रेम के विरुद्ध रहलन? यदि देव ऋषि नारद ऐसन उपदेश ना देते तो दक्षराज स्वयं ही अपन पुत्री खातिर वर चुन लेते, जेकर पश्चात सती अपन पिता के इच्छा के अनादर ना कर पाईती और उनकर शिव प्रेम वो भी अधूरा रह जात। सती के रूप और गुण के चर्चा तीनों लोक में रहल, एही कारण देश विदेश के योग्य राजकुमार, यहाँ तक कि कितना देवता भी सती से विवाह करे के अभिलाषा लेके उनकर स्वयंवर में पहुंच गएलन।
रानी, इतने योग राजकुमार एवं देवतागण यहाँ पे बाड़े, परंतु हमार पुत्री सती के केहू भी ना भाईल, पता ना का होखी। आप विचलित ना होखी भ्राता, जौन भी होखी उत्तम ही होखी। हे शिव, हे शिव, हे शिव। सतीश, यदि आप हमरे 16 सोमवार के व्रत से प्रसन्न बाड़न तो हमके अपन पत्नी के रूप में स्वीकार करी। असंभव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। सती, रुका सती। शिव, रुका शिव। शिव, आज से शिव सती के पहले कहाँ बाला तू? ये धूर्तता के खातिर प्रजापति दक्ष तो के कबो क्षमा ना करी है। ओ घटना के पश्चात दक्षराज अपने क्रोध के सारा सीमा तोड़ देले, आपन प्रिय पुत्री के परित्याग कर देले। सती के आपन पिता के व्यवहार से कष्ट तो बहुत पहुंचल, परंतु वो अब कैलाश में महादेव के साथ वास करे लागल रहली। फिर का भइल माता? फिर का कितना वर्ष बीत गई। एक दिन देवी सती कितना देवता गण के आकाश मार्ग से कहीं जात देख ली। वास्तव में प्रजापति दक्ष एगो महायज्ञ के आयोजन कैले रहलन। उ समारोह के खातिर उ सब देवता के आमंत्रण भेजले रहलन। केवल महादेव और देवी सती के अतिरिक्त देवी बिना निमंत्रण वहां जाएल उचित नहीं खे। स्वामी, गुरु, मित्र या पिता के यहाँ जाए खातिर कोनो निमंत्रण के आवश्यकता ना होखेला। यदि आप अनुमति दें तो का हम वहां चल जाएं? अभी के परिस्थिति अपवाद बाप्रिय। आपके पिता दक्षराज के मन में हमरा खातिर कटुता के अतिरिक्त और कुछ नहीं खे। परंतु स्वामी, समय तो हर कटुता के नष्ट कर देला ना। और हमके पूर्ण विश्वास बा कि इतना वर्ष के बाद पिताश्री जब हमके देखिए तो वो आपन क्रोध भुला दिए। हमरे पे विश्वास करी प्रभु, हम आपके अपमान कबो ना होके दे। देवी, हमके स्वयं के चिंता नहीं के, हमके तो आपके चिंता बा। परंतु यदि आपकी यह इच्छा बा तो हम आपके रोक अपना। धन्यवाद प्रभु।
सती। माता कैसन बानी आप? पहले जैसन भी रहनी, अब अच्छा बानी। इतना समय पश्चात आपके जे देख लेनी। का भइल पुत्री, आप अपन मायका में आके प्रसन्न ना बानी? माता, पिताश्री इतना बड़ा यज्ञ के आयोजन कहनी, सभी देवता के निमंत्रण देनी, केवल एक हमरे स्वामी के छोड़ के, ऐसा नहीं खे पुत्री। संभव बा उ भूल गए होखी है। नहीं खी भूलल हम कुछ भी। ये महायज्ञ में केवल उहे लोग के आमंत्रित कइल गइल बा जे एकरा योग्य बा। तका महादेव, ई महायज्ञ के योग्य ना? उ अघौरी के साथे रह के आप भी शिष्टाचार भूल गइल बानी। हमके क्षमा करी पिताश्री, परंतु हम हमके पिताश्री कहे के अधिकार आप वही क्षण खो देले रहनी जब आप उ अघौरी के गला में वरमाला डलले रहनी। आप हमरे खातिर चाहे कुछ भी कहें, परंतु आपसे विनती बा, हमार शिव खातिर अब शब्द के प्रयोग ना करी। ओ दुष्ट बा, ओ मायावी बा, वो आपके भ्रमित कैले रहे हमसे प्रतिशोध लेवे के खातिर। जैसा नौकर रूप बा वैसे ही ओकर भेषभूषा भी बा। बस बस करी पिताश्री, बस। हमार स्वामी ए समय यहाँ ना बाड़े, परंतु हम उनकर अर्धांगनी प्रतिनिधि बानी। हम उनकर हमरे समक्ष उनकर अनादर हम सहन ना कर पाई। अरे ऊ हमरे सम्मुख आ ही ना सकेला, कहे कि वो भयभीत बा हमरा से। कायर पुरुष बाऊ आपके शिव, और आज के बाद ओकरे साथ साथ आपके खातिर भी हमार घर के द्वार सदा बंद रही। ना कब हम आपके पिताश्री कहेंगे इस शब्द के, ओकरा से जुड़े संबंध के गरिमा के अब धूल में मिला देनी। मना कले रहनी हूँ हमके, किंतु हम हट कहीं नहीं, यहाँ आवे के चाहनी। शांत हो जा पुत्री, आपके पिताश्री क्रोधित बाड़न, क्रोध में हुई बात आपसे कहले बाड़न। ना माता, हम उनके वचन देले रहनी कि हम उनकर अनादर कबो ना होके दे, परंतु आज यहाँ हमरे समक्ष हमार पति के अपमान भइल बा, और जब तक हम जीवित रहब पिताश्री के मुख से निकलल ई अपशब्द हमके स्मरण करावत रही है। कितना बड़ा भूल कैले रहनी हम अपने स्वामी के बात ना मान के। स्वामी, अभी यदि हम आपके पिता माने से मना कर भी दी, तब भी तई पिता पुत्री के संबंध समाप्त ना होगी जब तक हम जीवित बनी। अर्थात इ पीड़ा से स्वयं के मुक्ति दिलावे के और अपन स्वामी से कईल गईल वचन के रखे के अब केवल एक ही उपाय बा। इस समस्त सृष्टि इ बात के साक्षी रही कि सती शिव के सम्मान के रक्षा खातिर आत्मदाह कर लेनी। सती माता, सती प्रभु अनर्थ हो गए प्रभु।
माता सती आत्मदाह कर ले ली। प्रजापति दक्ष के शीश। माता सती के शव के उठाए महादेव वहां से निकल गई। कहां माता? शोक में व्याकुल। उस समय ना उनका अपन दशा के ज्ञान रहे और ना ही दिशा के। वो बस चलते गए और जहां जहां वो अपन पग धर ले वहां हाहाकार मचते गए। ऐसन विनाशकारी दृश्य समस्त संसार एकरा से पूर्व कवो न देख ले रहल। और फिर एकरा के रोके खातिर ब्रह्मदेव पहुंचलन श्री हरि विष्णु के पास। और फिर उनकर आग्रह पर श्री हरि विष्णु शिव के सती से पृथक करे के खातिर अपन सुदर्शन चक्र चलेला। का शिव और विष्णु में युद्ध भइल माता? सुदर्शन चक्र के प्रयोग करे के पश्चात माता सती के मृत शरीर के 51 टुकड़ा हो गए। और फिर वो 51 टुकड़ा धरती पर अलग अलग स्थान पर जाके गिर गई। और फिर वो स्थान शक्ति पीठ बन गए। और महादेव उनकर का भाईल? महादेव अंततः शांत तब भइले, परंतु माता सती के मृत्यु से उनका ऐसन आघात पहुंचल रहा जकरा से उभरे खातिर उ अनंत काल तक समाधि में लीन हो गइलन। का भइल, आपके कथा के अंत दुखद लग रहल बा? हम दुखी केवल महादेव खातिर न बानी माता, हमके देवी सती और उनकर माता खातिर भी कष्ट हो रहल बा। उनकर का गलती रहे माता कि उनका साथ ऐसन भइल? का ही अन्याय ना बा माता?
हमरा के अत्यंत प्रसन्नता भइल मारुति कि आप इतना छोट सा आयु में भी कितना संवेदनशील बाड़े। परंतु जहाँ महादेव होखे ओहिजा तो अन्याय हो ही ना सकेला। अर्थात माता? अर्थात जब महादेव के क्रोध के ज्वालामुखी फूटत रहे तब दोसर ओर वीरभद्र संसार में हाहाकार मचेले रहे, तब ब्रह्मा जी पहुंचले कैलाश। हम आपके मनोदशा समझ सकेनी प्रभु, परंतु वीरभद्र के विध्वंस यह प्रकार चलत रही त सृष्टि के अंत हो जाई। कृपा कह के उनके रोका प्रभु, महादेव उनके रोका। शांत हो जाई प्रभु, हमार विनती बा आपसे। हम मान रहल बानी कि हमारे पुत्र दक्ष जे कैले वो अनुचित रहल, परंतु अब जे होके जा रहल बा वो भी तो महापाप बा। यदि महायज्ञ अपूर्ण रह गई त महापाप होगी। कृपया यज्ञ के समापन के कौनो उपाय करा आशुतोष। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आपके अपराध क्षमा योग्य ना रहल दक्ष, फिर भी महादेव आपके जीवन दान दे ले ताकि आप अपन यज्ञ पूर्ण कर सका। इच्छा शेष आपके स्मरण दिलावत रही कि जे मुख देवाधिदेव महादेव के निंदा करी ओकर संसार में यह गति होगी। सच में माता, श्री शंभु के समान क्षमा करे वाला ई जगत में और के हुना बा। जितना विशाल उनका हृदय रहे मारुति, उतना ही दृढ़ उनका प्रेम भी। यही कारण माता सती से उनका पुनर्मिलन भी भइल। ओ कैसे माता? देवी सती पुनर्जन्म ले ली पर्वत राज हिमालय के पुत्री माता पार्वती के रूप में। माता पार्वती के मन में जन्मजात ही शिव प्रेम त रहल ही, और फिर ऊ पूरा निष्ठा से शिव आराधना भी कहनी, और फिर पुनः महादेव के अपन पति के रूप में पा ही ले ली। प्रभु, स्वयं अपन हाथ से आपके खातिर बने ले बानी। देवी, हम जटावादी भस्म प्रिय कपाली बानी। देवी, ये पुष्पमाला हमसे अधिक आपके शोभा देवेला। प्रभु, हम धन्य हो गई। जौने प्रकार आपके स्पर्श से भस्म भी अमृत बन जाला, उहे प्रकार हमार जीवन भी धन्य हो गई प्रभु, केवल आपके कृपा। ना, ये हमार कृपा नहीं खे, इता आपके भक्ति व आपके अनुपम प्रेम हा, जैसे हमनी दोनों के पुनर्मिलन संभव हो सकल। शिव पार्वती के मिलन सुन के आनंद आ गईल माता। अब बारी बा हमार उहे पुराना प्रश्न के, का आपके उत्तर तैयार बा? प्रस्तुत बा माता।
ई कथा से हमके ई सीख मिलेला माता कि अहंकार से केहू अछूता ना। प्रजापति के समान ज्ञानी व्यक्ति भी अहंकार में आके विवेक खो देवेला और जौन पुत्री के पावे खातिर वो इतना तप कईने ओकरा मृत्यु के कारण भी बनकर बैठ गईने। दूसर सिख ई भी मिलेला माता जेकर प्रेम पवित्र होखेला अंत में उनकर मिलन निश्चित बा। अकल्पनीय मारुति कहे ने माता संतान के प्रथम गुरु होखेले, परंतु आपके विचार सुन के कबो कबो ऐसन लागेला जैसे गुरु के भी अपन शिष्य से सीख ले लेवे के चाही। ना प्रिय, आप विश्राम करें। काबहिल स्वामी। इजी आपके मुखमंडल पर तृप्ति की अनुभूति बा, वैसे ही स्वर्ग सुख मारुति के मुख पर भी देख के आ रहल बानी। मारुति अभी जाग रहल बा? ना, सो रहल बाड़न, किंतु निद्रा में भी उनके अधर पर शिव नाम ही प्रस्फुटित हो रहल बा। प्रिय, हमके आभास हो रहल बा कि यह दिन मारुति के चंचलता कुछ कम हो गेल बा। चंचलता अभी भी बा स्वामी, परंतु हाँ, जब हम उनके कथा सुनाएनी ता अत्यंत ध्यान लगा के सुने ली हूँ। और सबसे आश्चर्य के बात, हमनी के मारुति जलपान में टोकरी भर के फल खा जात रहले ना, जब कथा सुने ले तब भूख लागे के चर्चा भी ना करे ले। ये सब शिव शंभु के ही चमत्कार बा। निसंदेह, अन्यथा उनके शैतानी पे अंकुश लगावल असंभव रहल स्वामी। आपके स्मरण बा, जब ऋषि दुर्वासा अपने महल में आयल रहलन और उ मारुति से मिले के इच्छा प्रकट कैले रहलन और उनकर कहीं पता ना चलत रहे, उ क्षण स्मरण कैके हमने के हृदय कांप जाला। हमके तो लागत रहे कि हमार पूरा परिवार ऋषि दुर्वासा के कुख्यात क्रोध के बलि चढ़ जाए। उस समय हमरा के भी मारुति पे अत्यंत क्रोध आयल रहे, दंड हम मारुति के देले रहली, परंतु पीड़ा हमरा के होत रहे। प्रिय, हमने के पुत्र अत्यंत भाग्यशाली बा जकरा के आप जैसन माता मिलली। उनका से भी अधिक हम भाग्यशाली बानी स्वामी कि हमरा के मारुति जैसन संतान मिलन जे हमरा के हर समय गर्वान्वित अनुभव करवावेली। भोलेनाथ की कृपा बा। हर हर महादेव। अच्छा प्रिय, अब आप विश्राम करें, हम अपन शासकीय कार्य पूर्ण करे जा रहल बानी। उचित बा। ओम नमः शिवाय।
धन्यवाद माता। हर हर महादेव, हर हर महादेव। शुभम भयाता। आप सबके एक साथ आगमन के ता एक ही अर्थ हो सकेला। हाँ प्रभु, आपका अंतर्यामी बानी माता अंजनी मारुति के जौन कथा सुनावे वाला बड़ी हमनी भी उहे के अमृत पान करे चाहतानी। उत्सुकता हम भी बानी स्वामी आपके आगामी अवतार के कथा सुने खातिर। यदि संभव हो के तो तनिक आप उनकर भी भूमिका बांधी। पिपलाद पिपलाद ही बाड़े हमारा आगामी अवतार। मानव जीवन में हमार पिपलाद अवतार के अत्यधिक महत्व है। कहें के शनि के पीड़ा के निवारण पिपलाद के कृपा से ही संभव हो सकल। ऐसे अधिक जाने खातिर आप लोगन के तनिक प्रतीक्षा करे के पड़ी। स्वप्न रहे उ पीपल के वृक्ष एकाएक बड़ा हो गए और फिर वो प्रलयकारी स्वरूप का अर्थ हो सकेला स्वप्न के। ओ ते महादेव के चमत्कार बा। इस स्वप्न आदेश हमके आज मारुति के पीपल के वृक्ष के नीचे जन्म लेवे वाला महादेव के पिपलाद अवतार के कथा सुनावे के बा। हर हर महादेव।